गाइस वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं शिल्पा और आप देख रहे हैं शिल टॉक्स। सो गाइस, अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को स्टार्ट करने के पहले सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आपको अच्छे अच्छे वीडियोज मिलते रहेंगे इस चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूँ कि आपको इस चैनल पर मिलेंगे वीडियो स्किन केयर, हेयर केयर, लाइफ स्टाइल, डाइट, पेट केयर और प्रोडक्ट रिव्यू से रिलेटेड वीडियो। मैंने सारी कैटेगरीज की प्लेलिस्ट बना के रखी है अपने चैनल पे। आप जिस भी कैटेगरी में इंटरेस्टेड हो आप उस कैटेगरी की प्लेलिस्ट पे जाके अपने पसंद का वीडियो देख सकते हैं। आई होप इट विल हेल्प यू इन सम और दी अदर वे। अगर आपको ये पसंद आता है, आपको मेरी वीडियोज पसंद आते हैं तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अभी हम चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, मैं रिव्यू करने वाली हूँ एक शैम्पू। अगर आपने देखा होगा कि मेरे चैनल पर मैं मोस्टली आयुर्वेदिक हर्बल कम केमिकल वाले प्रोडक्ट्स के बारे में रिव्यूज़ देना प्रेफर करती हूँ और यूजुअली मैं उन्हीं प्रोडक्ट का रिव्यू करती हूँ जो मैं खुद यूज़ कर रही होती हूँ। अब रिसेंटली मैंने एक प्रोफेशनल सीरीज़ का शैम्पू ट्राई किया है, सो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ उसका रिव्यू शेयर किया जाए, क्योंकि ये शैम्पूज जो होते हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं और अगर आप पैसा खर्च करने जा रहे हैं तो बिफोर स्पेंडिंग मनी यू शुड टेक अ लुक एट द रिव्यू ऑफ द प्रोडक्ट एंड देन यू शुड डिसाइड वेदर टू बाय और नॉट। सो जिस शैम्पू के बारे में मैं बात करने वाली हूँ वो है वेला प्रोफेशनल्स का इनविगो न्यूट्री रिच विथ जोजी बेरी। दिस इज द पैकेजिंग, दिस इज हाउ द शैम्पू इज। नाउ दिस शैम्पू, इफ वी टॉक अबाउट द पैकेजिंग, बहुत ही क्यूट और बहुत स्टर्डी पैकेजिंग है। बहुत कम स्पेस लेगा आपके बैग में, तो ट्रेवल फ्रेंडली भी कह सकते हैं। यू विल गेट 250 ml ऑफ शैम्पू फॉर ₹650। सो 250 ml का शैम्पू ₹650 में आपको ये मिलता है। दिस इज़ अ प्रोफेशनल सीरीज ऑफ वेला, इज़ अ वेल नोन ब्रांड और दिस क्लेम्स दैट इट डीप नरिशेज योर हेयर, दिस इज़ अ नरिशिंग शैम्पू। सो मैं इसकी कुछ अच्छी बातें आपको बताती हूँ, फिर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँगी। सो फर्स्ट थिंग अबाउट दिस शैम्पू इज इट क्लीन्स इज वेल। क्लीन्स इज वेल से मेरा मतलब है कि यूजुअली ऐसा होता है कई बार जब हम बालों में हैवी ऑयलिंग करते हैं हमको दो बार शैम्पू करना पड़ता है, क्योंकि एक बार में वो ऑयल बालों से निकलता नहीं है। बट इन दिस केस ये शैम्पू अगर आप यूज़ करते हैं तो ये एक बार में ही अच्छे से आपके ऑयल को रिमूव कर देता है और बहुत ज़्यादा आपको शैम्पू दो बार, एक सिंगल वॉश में दो बार आपको शैम्पू यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। सेकेंड थिंग अबाउट दिस शैम्पू विच इज़ गुड इज़ कि जब आपका हेयर फॉल होता है ड्यूरिंग शैम्पू, आई एम नॉट सेइंग अबाउट द नॉर्मल हेयर फॉल बिकॉज ये हेयर फॉल पे काम नहीं करता, बट द हेयर फॉल ड्यूरिंग शैम्पू, जब आप बालों में शैम्पू करके उन्हें धो रहे होते हैं उस वक्त जब आपके बाल निकलते हैं, तो बहुत सारे शैम्पूज होते हैं जिनकी वजह से ड्यूरिंग शैम्पू बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो जाता है, बहुत ज़्यादा बाल निकलते हैं। बट दिस इज़ गुड इन दैट वे, इससे बहुत ज़्यादा बाल आपके नहीं निकलते। अगर आप देख सकते हैं कि आपने नोटिस किया होगा कि आप सैलून में जब आपका हेयर वॉश होता है तो आपके बाल एकदम अच्छे से क्लीन होते हैं और बहुत ज़्यादा हेयर फॉल नहीं होता, तो क्योंकि वो प्रोफेशनल सीरीज़ के जितने भी शैम्पूज होते हैं उनका कमाल होता है, तो ये कमाल आपको इसमें भी दिखेगा। थर्ड थिंग, इसकी स्मेल जो है वो डिसेंट है और नाक के बराबर है, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो अगर आपको ऐसे शैम्पूज पसंद है जिनका बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस ना हो तो दिस इज़ गुड इन दैट केस। इसको अप्लाई करने के बाद आपके बाल जो है वो बहुत ज़्यादा ओवर ड्राई या फ्रिजी नहीं हो जाते, नॉट इवन कि स्मूथ और सिल्की हो जाते हैं, बट ड्राई और फ्रीजी भी नहीं करता है। इट कीप्स योर हेयर्स टेक्स्चर नॉर्मल, कोई डिफरेंस नहीं होता, बहुत नॉर्मल होता है एज इट इज़ होता है। सो ये तो हो गई शैम्पू के बारे में अच्छी बातें। नाउ आई टेल यू नॉट द बुरी बातें टू बी स्पेसिफिक, बट माई पर्सनल एक्सपीरियंस विच इज़ नॉट दैट ग्रेट। सो फर्स्ट थिंग आई टेल यू कि ये जो शैम्पू है ये आपके बालों को क्लींस करता है। दिस इज़ जस्ट अ क्लींजर जो कि कोई भी शैम्पू करेगा क्लीन करने का काम। द गुड थिंग इज़ कि आपके बालों का जो ड्यूरिंग शैम्पू हेयर फॉल होता है वो कम होता है, लेकिन वो क्वालिटी आपको और शैम्पूज में भी मिल सकती है। अगेन देर इज़ नथिंग समथिंग वेरी स्पेशल अबाउट दिस शैम्पू। एंड द लास्ट थिंग इज़ कि इसको अप्लाई करने के बाद कोई डिफरेंस फील नहीं होता कि ये बहुत स्मूद और वो कर रहा है, वो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स अप्लाई करने ही पड़ेंगे। आप कंडीशनर को नीचे अप्लाई करते हो लेकिन दिस पार्ट विल ऑल्सो नीड समथिंग टू बी अप्लाइड ऑन, बिकॉज इससे कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। वन मोर थिंग अबाउट दिस शैम्पू इज़ इट इज़ फुल ऑफ केमिकल्स,
इट इज़ फुल ऑफ केमिकल्स, इट हैज़ सल्फेट। सो अगर आप ऐसे शैम्पू प्रीफर करते हैं, आप ऐसे प्रोडक्ट प्रीफर करते हैं जिनमें केमिकल्स कम हो या ना हो, देन दिस इज़ नॉट अ गुड चॉइस, बिकॉज मैं प्रीफर करती हूँ जिनमें सल्फेट्स और पैराबेंस ना हो एटलीस्ट। बट इसमें है दिस अनदर वन बैड थिंग अबाउट इट, इफ़ यू टॉक अबाउट हु कैन यूज इट, सो इसे दिस इज़ गुड फॉर ऑल हेयर टाइप, बट दिस इज़ गुड फॉर नथिंग। इससे कोई डिफरेंस या कोई बहुत अच्छा अमेजिंग रिजल्ट्स नहीं मिलने वाला है, तो किसे कोई भी यूज़ कर सकता है, बट इट विल शो नो रिजल्ट। आपके हेयर अगर ट्रीटेड है, अगर आपने कोई ट्रीटमेंट करवाया है या कलर करवाया है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। बट अगेन देर आर अदर शैम्पूज ऑल्सो अवेलेबल जो आपके ट्रीटमेंट और कलर को भी प्रिजर्व करते हैं, आपके बाल स्मूथनेस भी देते हैं, बट दिस डज नथिंग। तो मैंने इसे 5 से 6 बार वॉश कर लिया है अपने बालों को रेगुलरली एवरी वीकेंड, बट मुझे इसमें कोई डिफरेंस या कोई बहुत अमेजिंग रिजल्ट या कुछ भी ऐसा नहीं मिला है जिसके लिए मुझे लगता है कि मुझे 650 रुपीज़ खर्च करने चाहिए। नाउ इफ़ यू थिंक कि अगर हम ऐसे शैम्पू यूज़ ना करें तो फिर हम क्या करें, तो आई हैव वन गुड सजेशन फॉर यू गाइज। एक ऐसा शैम्पू जो आपके बालों को बहुत सॉफ्ट भी बनाता है, स्मूथ बनाता है, हर टाइप के हेयर वाला इसे यूज़ कर सकता है, हर कोई यूज़ कर सकता है, ट्रीटेड और कलर्ड हेयर पे भी हेल्प करता है, और वो इससे आधी कीमत में है। दैट इज़ मैट्रिक्स ऑप्टिकेयर शैम्पू विच कम्स अराउंड 350 रुपीज़ और समथिंग, एंड दिस इज 650। सो 300 रुपये का डिफरेंस, लेकिन उसमें बहुत सारी क्वालिटीज़ है और बहुत अमेजिंग शैम्पू है। उसका मैंने रिव्यू वीडियो बनाया है यहाँ पर आई बटन में, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं उसके लिंक दे दूँगी, आप ज़रूर देखिए। दिस इज़ टोटली माई पर्सनल एक्सपीरियंस, उस ब्रांड के साथ कुछ स्पॉन्सरशिप है या ये ब्रांड से कुछ प्रॉब्लम है ऐसा कुछ नहीं है। मैंने फर्स्ट टाइम ही ट्राई किया, और मैट्रिक्स का जो ऑप्टिक है शैम्पू मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, सो आई एम एबल टू टेल यू विथ माई एक्सपीरियंस, बिकॉज मेरे बाल सिल्की है, मैं बालों पर कलर और कुछ ना कुछ ट्राई करती रहती हूँ। तो इन दैट केस आई लुक आउट फॉर सच अ शैम्पू जो अफोर्डेबल भी हो और आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी करे और आपको एक स्मूथ हेल्दी अच्छे हेयर दे और हेयर फॉल को भी कंट्रोल करें। सो गो चेक आउट दैट वीडियो, एंड अब इफ़ यू आस्क मी अबाउट दिस पर्टिकुलर वेरिएंट ऑफ वेला शैम्पू, वेला के बहुत सारे शैम्पू रेंजेस अवेलेबल है, बहुत सारी वेराइटीज़ अवेलेबल है। आई एम टॉकिंग स्पेसिफिक अबाउट दिस वन क्योंकि मैंने यही किया है, बाकी के बारे में मैं नहीं बोल सकती, बट दिस वन इज़ नॉट वर्थ अकॉर्डिंग टू मी। इफ़ इट इज़ वर्किंग आउट फॉर यू, देन प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस इन द कमेंट बॉक्स। शायद आपका एक्सपीरियंस किसी और को हेल्प करेगा, तो शेयर इट इन कमेंट बॉक्स। दिस इज़ इट फॉर टुडे वीडियोज़ गाइज। इफ़ यू वॉन्ट टू बाई दिस शैम्पू, थिंक ट्वाइस बिफोर यू डू, एंड विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ बिग थम्स अप, कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, एंटिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, and thanks for watching Chill Talks.